हाय। तो आज है संडे, तो जैसे कि हम लोगों को संडे का दिन ही मिलता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो हमें टाइम मिलता है अपनी बॉडी की टेक केयर करने के लिए। सैटरडे संडे को हम लोग केयर करते हैं, अपने बालों को कलर करते हैं, अपने फेस को फेस पैक लगाते हैं, अपनी बॉडी की ध्यान रखते हैं, तो सैटरडे संडे का दिन ही मिलता है। बाकी दिन बहुत हैक्टिक रहता है, ऑफिस जाना वो सब काम बहुत बिजी हो जाता है शेड्यूल। सब पे जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए भी सैटरडे संडे ही होता है जो उनके पास टाइम मिलता है। अदरवाइज बाकी दिन तो वही टिफिन पैक करना है, बच्चों को लंच पैक करके देना है, रेडी करना है, तो इसी काम में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो सैटरडे संडे मिलता है हमें अपनी केयर करने के लिए। और गाइस, अपनी स्किन केयर करना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आपकी स्किन से ही आपकी पर्सनैलिटी का पता लगता है। अगर आपकी स्किन डल होती है, रूखी सूखी होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी काफी डाउन हो जाती है। पर अगर आपकी स्किन चमकदार होती है, शाइनिंग होती है, तो एक अलग सा चार्मिंग लुक होता है, अलग से दिखाई देता है वो स्किन। जिसकी स्किन चमकती हुई होती है, ग्लो करती है, वो बंदा अलग से दिखाई देता है। तो अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग बहुत से काम भी करते हैं, जैसे कि हम काफी योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, खूब सारा पानी भी पीते हैं, अपने डाइट का ध्यान भी रखते हैं उसके साथ साथ। पर वो इंटरनल हम लोग काफी ध्यान रखते हैं, ताकि हमारी स्किन नेचुरली अच्छी हो, और होती भी है उस चीजों से, वो जरूरी भी है, क्योंकि इंटरनल भी बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ हम लोग एक्सटर्नली भी बहुत चीजें ध्यान रखते हैं, जैसे कि बाहर के हम मार्केट प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं, ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हमें थोड़ा डिपेंड रहना ही पड़ता है। प्लस टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी कुछ लोग क्या होता है, टाइम नहीं होता है अपनी केयर करने के लिए, तो चलो प्रोडक्ट्स लगाए हो गया। इस साथ साथ हम लोग बहुत सारा मेकअप भी यूज करते हैं, उससे भी काफी स्किन डल पड़ जाती है। पर मैं आज बात करने वाली हूँ वैसलिन की। तो ये जो मेरे पास है वैसलिन, आप देख सकते हैं येलो कलर में। तो गाइस, वैसलिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वैसलिन बहुत टाइम से चला आ रहा है। बहुत पहले भी हमारी मम्मा वगैरह ने या दादी वादी ने भी उसको यूज किया, बहुत सालों से वैसलिन मार्केट में है। पर वैसलिन के बहुत टाइप चेंज हो गए हैं, अब ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग में अवेलेबल है। जैसे कि जो मेरे पास है ये स्पेशली फॉर ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि मेरी स्किन काफी ड्राई है तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। तो ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है ये ड्राई। इसकी इसके अंदर जो एक अच्छी अच्छी क्वालिटी है कि आपके लेयर्स में जाके अंदर तक डीप मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और इसकी ग्रीन बॉटल है, पिंक बॉटल है, येल्लो है, और एक जो पहले वाली जेली आती थी उसमें भी अवेलेबल है। वो तो बहुत ही अच्छा था, पर ये भी मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि जो पहले वो जेली रूप में आता था उसमें क्या था, उसमें कोई स्मेल नहीं थी, फ्रेग्रेंस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था। बट ये जो है उससे और अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, इसमें काफी अच्छी खुशबू भी है। तो गाइज, ये मेरे पास है वैसलिन जो मैंने परचेज करी है बिग बाजार से। मैंने बिग बाजार से इसको परचेज किया है, और जो इसकी क्वांटिटी है वो है 400 ml है इसकी क्वांटिटी। और ये जो है इंटेंसिव केयर डीप रिस्टोर है, जो क्लिनिकल प्रूव है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। तो अगर आप भी ड्राई स्किन वाले हैं और आप भी कुछ मार्केट में ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को नरिशिंग करे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसे आजकल समर चल रहा है, तो मे बी कुछ लोग सोचेंगे कि इसको क्यों यूज करना समर में, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं इसको समर में भी यूज करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि नहाने के बाद आप जब सोप यूज करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो ही जाती है, चाहे आप कितना गर्मी हो चाहे कुछ, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग केयर नहीं करते हैं तो वो और स्किन रफ होती चली जाती है, ड्राई हो जाती है, चाहे कितनी गर्मी हो, ड्राइनेस आती ही आती है बॉडी में, क्योंकि हम लोग सोप यूज करते हैं। तो गाइज, ये जो है क्रीम है, ये 265 की मुझे पड़ी है, 400 ml की। इसमें जो बताया गया है वो है डीप मॉइस्चराइज करती है आपकी ड्राई स्किन को, प्लस ट्रिपल मॉइस्चराइज करती है, और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, और नॉन ग्रीसी है। इट्स ट्रू, काफी नॉन ग्रीसी है। इसको लगा के बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये चिपचिपापन आ रहा है या आपके हाथों में कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जो है मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह का व्हाइट कलर का है, और इसको लगाने के बाद जो है बिल्कुल इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको भी लगा के, और बहुत जल्दी ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको एब्जॉर्ब होने में। तो गाइज, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है इसको लगाने के बाद स्किन, और ये इसको लगाने के बाद एक शाइन भी है इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इसको जहां पे आप लगाते हो वो स्किन में शाइन हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट आपके हैंड हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों हाथों में डिफरेंस, एक शाइन दिख रही होगी आपको इस हाथ में मेरे, तो काफी शाइन भी करती है ये आपके स्किन को। तो अगर आप मार्केट में ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरह की ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्लस मैं फेस के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगी,
क्योंकि फेस के लिए नहीं है, क्योंकि फेस की स्किन थोड़ा गाइस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो आपको बिल्कुल भी जो बॉडी लोशन या स्किन के लिए जो क्रीम्स होते हैं उसको फेस पे कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि स्किन सॉफ्ट होने की वजह से ये थोड़ा हार्ड होती है जो बॉडी के लिए यूज होती है। अगर आप इसको फेस पे अप्लाई कर लेते हैं तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं, तो आप इसको सिर्फ बॉडी लोशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, थोड़ा सा मैंने आपसे बातचीत करी इसके बारे में, मुझे काफी पसंद आई ये। और अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, आपकी स्किन ऑयली है, या आपकी स्किन किसी और टेक्सचर की है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, और आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे जितने भी मेरी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप मेरे टच में रहेंगे, आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं गाइज फिर और वीडियोज में, बहुत जल्द आऊंगी लेके और अच्छी अच्छी वीडियोज जो आपके लिए अच्छी हो। तो चलिए गाइज, ओके बाय बाय।